जी आप लोगों को जिस तरह की यहाँ पर मोमबत्ती चाहिए उस तरह का मिल जाएगा। और आप लोग अगर दुकानदार हैं गांव शहर में बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा, देख लीजिए कितना ज़्यादा मोमबत्ती रखा हुआ है। दोस्तों ये एक दर्जन मोमबत्ती है स्टैंड मोमबत्ती, और इसका मतलब साइज़ जो होता है 6 इंच का होता है, और ये 5 रुपये पीस पड़ेगा आप लोग को एक दर्जन, ये पॉकेट है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन से कह रहे थे भैया एक मोमबत्ती का होलसेल का भी ब्लॉग बना दीजिए, तो फाइनली आज हम आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ बहुत सारा मोमबत्ती है और होलसेल का ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और जो भी दुकानदार हैं गांव में शहर में मोमबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं, अभी दिवाली का समय है बहुत ज़्यादा बिकेगा, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा। अभी हम हैं पटना सिटी मच्छरहट्टा में। यही सर जी का ये मोमबत्ती का होलसेल है, और सर जी से हम पूछेंगे, सर जी थोड़ा बताइए यहाँ पर क्या क्या मोमबत्ती में अवेलेबल है? मोमबत्ती हर डिज़ाइन का मिलता है, कलरफुल, वाटर प्रूफ, फ्लोटिंग, जितने प्रकार की मोमबत्ती होती है सब मिलती है। और मोमबत्ती का साइज़ कैसा कैसा मिलेगा? सब तरह का, सब साइज़ का, 5 से लेकर 20-50 तक, जिस साइज़ का आप लोग लेना चाहते हैं उस साइज़ का यहाँ पे मोमबत्ती मिलने वाला है। चलिए एक एक करके आप लोग को दिखाते हैं। तो अब हम आप लोग को मोमबत्ती का एक एक डिज़ाइनिंग दिखाते हैं, तो चलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और मोमबत्ती का डिज़ाइनिंग देखिए। बताइएगा सर जी किस टाइप का डिज़ाइनिंग का मोमबत्ती है? देख लीजिए, इसका नाम राफेल है। अच्छा, स्टैंड में है, मोटी मोमबत्ती है, ये देख लीजिए, ये रंगीन मोमबत्ती है, इसके अंदर 120 पीस रहता है। और भी बहुत सारा डिजाइनिंग है सर, जिसे एक एक करके हम देखते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। दिखाइएगा सर जी और सारा मोमबत्ती कैसा कैसा है। ये मोमबत्ती का नाम क्या हो गया? फ्लावर। देख लीजिए दोस्तों ये फ्लावर मोमबत्ती है, कितना अच्छा दिख रहा है। और भी दिखाइएगा सर जी, ये स्टैंड है, स्टैंड वाली मोमबत्ती है, देख लीजिए दोस्तों स्टैंड वाली मोमबत्ती पैकेट का है। जैसा कि दोस्तों ये 30 रुपये पैकेट का है और 12 पीस मोमबत्ती है। और सर जी दिखाइएगा, ये देखिए, ये मोमबत्ती का क्या नाम है? चार्ली। क्या? चार्ली। देख लीजिए दोस्तों ये चार्ली मोमबत्ती है। और मोमबत्ती इसका क्या प्राइस पड़ेगा? 40 रुपया। 40 रुपया 12 पीस है, ये भी 12 पीस है, 40 रुपये प्राइस पड़ेगा। उजाला देख लीजिए दोस्तों, उजाला इसका प्लास्टिक का अथी है, स्टैंड है, देख लीजिए दोस्तों इसमें प्लास्टिक का स्टैंड है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर जी? 20 रुपया। अगर दोस्तों आप लोग दुकान करना चाहते हैं गांव में शहर में, यहाँ बहुत सारा डिजाइनिंग का मोमबत्ती रखा हुआ है, बहुत सारा डिजाइनिंग का आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसा कि दोस्तों सर जी से पूछेंगे ये क्या मोमबत्ती? रिंग मोमबत्ती है। और इसमें कितना पीस रहता है? 12 पीस। और इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? 100। इसका देख लीजिए दोस्तों रिंग मोमबत्ती है, और इसका 100 रुपये प्राइस पड़ जाएगा 1 फीट का। देख लीजिए दोस्तों ये रिंग है 1 फीट का, और इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 50 रुपये पड़ेगा, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकेगा। जैसा कि दोस्तों अब हम सर जी से पूछेंगे ये कैसा मोमबत्ती है, बताइएगा सर जी? 1.5 फीट का मोमबत्ती है। अच्छा, इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 300 रुपया। देख लीजिए ये 1.5 फीट का मोमबत्ती है, और इसका प्राइस 300 रुपया पड़ने वाला है। ये लगभग कितना दिन जलेगा? ये कम से कम 2 दिन रात भर चलते रहे दोस्तों। यहाँ पे जिस टाइप का आप लोग मोमबत्ती लेना चाहते हैं उस टाइप का मोमबत्ती मिल जाएगा। और इधर देख लीजिए, इधर दिखाइएगा, इधर देख लीजिए, बहुत सारा मोमबत्ती आप लोगों को डिजाइनिंग मिलने वाला है। आप लोगों को जैसा डिजाइनिंग चाहिए वैसा डिजाइनिंग मिल जाएगा। अब हम एड्रेस पूछते हैं, बताइएगा भैया। मच्छरहट्टा खचकला थाना के आगे, बिहार मार्केट के बगल में। और आपका दुकान का नाम क्या है? जफर मोमबत्ती कैंड। जी आप लोगों को जिस तरह की यहाँ पे मोमबत्ती चाहिए उस तरह का मिल जाएगा। और आप लोग अगर दुकानदार हैं गांव शहर में बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा, देख लीजिए कितना ज़्यादा मोमबत्ती रखा हुआ है। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए, उस जगह का ब्लॉग हम बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी दिवाली।